नमस्कार दोस्तों, संध्या विज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कच्चे सिंघाड़े की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। कच्चे सिंघाड़े को हमने इसके छिलके उतार करके और धोकर के इसको रख लिया है। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, तेल डाल दिया है, तेल थोड़ी देर गरम हो जाएगा। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डालेंगे सिंघाड़े जो हमने छिलकर के रखा है, उसे भून लेंगे थोड़ी देर। देखिए थोड़ी देर हम इसे इस तरीके से चला लेंगे और ढक कर के रख देंगे। थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे और गैस को बंद ही रखी हूँ। सिंघाड़ा हमारा भून चुका है, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए गैस को ऑन कर लिया है और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल नहीं डाले हैं, वही वाला बचा हुआ तेल था जो हमने सिंघाड़े को पकाया था। हम इसमें डाल देंगे अपनी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर। मैंने सब अच्छे से थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे, गैस को मंदी कर देंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, अच्छे से पका देंगे। हमारी हरी मिर्च, प्याज और अदरक पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ये देखिए जो टमाटर की प्यूरी बना ली है उसे डाल देंगे इसी में और नमक ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है। अब तेल पे डाल देंगे हम गरम मसाला और इसे भी थोड़ी देर चला देंगे। गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डालते हैं ताकि अच्छा खुशबू आती है इसकी गरम मसाले की। ये सारे मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। डाल देंगे सिंघाड़े जो हमने भून करके रखे थे और इन्हें भी इस तरीके से चला लेंगे, अच्छे से मसाले में कोट कर देंगे इसको। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करा है। इस गिलास में से आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पतला या गाढ़ा खाना हो उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसे ढक कर के थोड़ी देर रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चेक करते देखते रहेंगे कि हमारे सिंघाड़े अच्छे से पके हैं कि नहीं। हम इसे खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए हमारे सिंघाड़े उबलने लगे हैं। अब हम गैस को मंदी कर देंगे और मंदी गैस से इसे पकाएंगे ताकि हमारे सिंघाड़े अच्छे से पक जाए। फिर से ढक करके रख देंगे, बीच बीच में खोल खोल करके चेक करते रहेंगे। ये देखिए खोल करके चेक करेंगे, ये देखिए सब्जी हमारी पूरी अच्छी तरीके से पक चुकी है। गैस को बंद कर देंगे। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी सब्जी बनकर के तैयार है, हमने इसे सर्व कर दिया है। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।